देश की जनता का विश्वास और रक्षा करने वाली खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक किसान से रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। संभल के थाना गुन्नौर की चौकी बैरपुर में बीते दो दिनों दो पक्षों में गांव के विवाद के चलते झगड़ा हो गया था, जिसको चौकी बैरपुर में मामला दर्ज हुआ था। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद को फैसला लिखा गया था, लेकिन फैसले के बाद किसान से 10,000 रुपए की मांग, 5,000 रुपए पहले वह दे चुका था, उसके चार दिन बाद 5,000 रुपए दोबारा लेने का दबाव बनाया गया, जिस पर की धारा 376 के तहत कार्यवाही करने की धमकी दी गई। लेकिन गरीब किसान धर्मपाल ने खाकी के डर से अपने खेत में बुवाई हुई फसल सहित गिरवी रख करके पूरे 10,000 रुपए चौकी इंचार्ज सुल्तान सिंह को दे दिए गए। लेकिन चौकी इंचार्ज के पैसे लेते समय किसी ने वीडियो बना ली, जो कि वायरल हो गई, जिसमें साफ चौकी इंचार्ज सुल्तान सिंह किसान से पैसे लेते हुए किसान की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यह देखने वाली बात होगी कि जनता का विश्वास और रक्षा करने वाली पुलिस के आला अधिकारी अपने ही विभाग के खाकी वर्दी के कर्मचारी पर क्या कार्रवाई करते हैं। यह मामला विभागीय होने के बावजूद सिर्फ रफा दफा कर दिया जाता है।